मेरा जो बाइक को लिया था जैसे कि मैंने बताया सर्विस सेंटर में, जाने वाले वीडियो में देखा भी होगा सर्विस सेंटर में छोड़ के आया हुआ है, तो उसको फिलहाल जाने लेने सॉरी ब्रो। तो बस बाइक तो कंप्लीट हो गया, इधर है भाई, इधर पैसे वैसे पे कर दे, अभी सिर्फ यहाँ से निकालना है फुल पावर में। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, होप करते हैं सब बढ़िया होंगे, तो बड़े रहना गाइस। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं हम लोग एतिरुद इसीलिए जा रहा है, मेरा जो R1 मतलब 5 जो नया वाला लिया है उसको मतलब सर्विस सेंटर में फिलहाल मतलब थोड़ा बनाने के लिए दिया हुआ, फिलहाल लेने के लिए जा रहा है। तो एक बार गाइस मेरा हेयर जैसे कि देख सकता था आप लोग, मतलब जाबरा जैसा हो रहा था, तो हम जहाँ भी हेयर काटने जा रहा था वहाँ बोलता था भाई तुम अपना हेयर में स्पा कर लो। तो स्पा करके देख लेते कुछ रिजल्ट अभी कुछ इस तरीके से पहले से मतलब बहुत बेटर हुआ है, ठीक है। पहले खराब था, चूल जाबरा होता था अभी, लेकिन सही हो गया, मस्त हो गया, देख रहे हो। तो अगर आप लोग का भी चूल खराब है तो भाई कर लिया करो ऐसा, ठीक है। हेयर स्पा। चल अभी भाई का बाइक चला के जा रहा है कुछ इस तरीके से, देख रहे हो अभी चलो सीधा जाता है, मतलब अभी कैमरा नहीं लगाया, कैमरा बाद में लगाएगा, तो अभी सीधा ऐसा ही करना है भाई, देख रहे हो। मेरा जो बाइक को लिया था जैसे कि मैंने बताया सर्विस सेंटर में, जाने वाले वीडियो में देखा भी होगा सर्विस सेंटर में छोड़ के आया हुआ है, तो उसको फिलहाल जाने लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो जैसे कि पता है यार बस उसमें कितना तकलीफ होता है, तो इसलिए सोचा यार जब दोस्त है तो काहे का टेंशन है ब्रो, तो इसलिए बुला लिया है। एंड कुछ इसका फुटेज चेक करो, इसका फुटेज तो ज़्यादा तो हम दिखाने वाला नहीं है, लेकिन भाई इसका भी क्या हैंडलिंग है रे ब्रो, पता नहीं ये चेक कर रहे हो क्या हैंडलिंग है भाई, मज़ा आ गया। लेकिन पता नहीं यामाहा वाला को हैंडलिंग मतलब कंट्रोल में अलग सा मज़ा है ब्रो, MT-15 तो कैसा होता पता नहीं, लेकिन ये सब तो बो में चला के तो खतरनाक ही लग रहा है भाई, खाली पावर थोड़ा कम है, कोई नहीं बाकी देख रहे हो भाई साहब। सो गाइस, आप सब अगर बाइक को चलाता है ना, तो मतलब रनिंग में अगर रेस राइडिंग करता है कुछ भी हो तो ऐसा चलाओ, देखो ये वाला बीच वाला थंब को ब्रेक में कभी भी पकड़ा करो ये हाथ को, ठीक है, ऐसा करके। तो ब्रेक व्रेक पकड़ने के लिए अच्छा होगा, अगर दोनों हाथ पकड़ोगे तो ऐसा हमच का ब्रेक मार जाएगा तो उसके लिए ख़राब है ऐसा। और जब ये हाथ में क्लच चाहिए, दो फिंगर रहना पड़ेगा और दो ग्रिप के लिए चाहिए। तो इधर रेस सिग्नल है जैसा कि 10 सेकेंड है, तो चलो। तो गाइस फाइनली हम लोग दिसपुर पहुँच गया है, देख रहे हो ये मछली सोला भैया को, मजा आ गया। इसका हैंडलिंग भी लेकिन बूम है रे भाई, बूम है। ओ पापा के परी, पापा के परी। ना आगे ना पीछे घुसा दे रहे भैया, देख रहे हो ये चक्कर भाई, डर ही लगता है ब्रो, पापा के परियों से तो विराट डर लगता है। तो फाइनली गणेशपुरी ब्रिज पे पहुंच चुका है, पता नहीं हम क्या पहुंचा बोला, हाँ दिसपुर का मतलब गणेशपुरी होता है भाई। तो चलो फुल पावर में, आज का वीडियो भाई तबाही होने वाला है। एंड मेरा 2-3 वीडियो तो भाई एक गुवाहाटी में ही बन गया, 2-3 तो पीछे से अपना पूरे भाई का फट गया है, पता नहीं क्यों फट रहा है, हम बोला मत फाट, भरोसा रख भाई। लेकिन एक चीज़ है, बाइक गाड़ी घोड़ा में कभी भरोसा करना चाहिए ब्रो, समझ रहे हो ना। सुबह जो चेक कर कर रहा है क्या ये, जैसे कि पीछे में देखा है कि लेडीज के लिए क्या हुआ भाई, पता नहीं यार औरत आदमी कैसा होता है, बिना देख के भाई देख के चला करो ब्रो, देख के चला करो भाई। उमेन बोले रहा था भाई पापा का पड़े तो सचमुच में ब्रो सब खतरनाक। फाइनल गाइस यम्मा वालों के पास पहुंच गया, एंड अभी भैया को पूछता है बाइक कहाँ में है, नहीं है, एंड अपना हुरु भाई को दे देता है इसका बाइक अच्छा अभी। तो बस बाइक तो कम्प्लीट हो गया, इधर है भाई, इधर पैसा वैसा पे कर दिया, अभी सिर्फ यहाँ से निकालना है फुल पावर में। बाइक तो वॉश नहीं किया क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, बोला हम लोग बोला छोड़ो इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास, अभी सीधा चला जाता है हम लोग ना, क्या बोलते हैं भाई, चलो फुल पावर। बाइक तो अपना हाथ में आ गया था, लेकिन दूर आने का पता अभी ब्लॉक स्टार्ट कर रहा है क्योंकि ज़्यादा जाम था, तो जाम में इतना पका के फायदा नहीं है ना आप लोगों, एंड आया है उसके लिए आराम से जा रहा है फिलहाल। तो आगे चला गया, कुछ आगे ही चला गया, हमें पीछे रुक गया, समझ देख रहे हो। ओ ये चेक करो, ये है पूर्व भाई, देख रहे हो, भाई साहब हमारा कुछ बोलने वाला व्हाट्सअप चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा है हम कुछ मतलब भाई साहब कुछ ऐसा भाई ऐसा बोलता है, तो उसको आ रहा जो बोलता है उस सबको हमको मतलब थोड़ा कंट्रोल में लाना है, इतना ज़्यादा नहीं बोलना, ठीक है। ज़्यादा बोलने से मतलब क्या होता है कि सुनने के लिए खराब लगता है, पता नहीं ये बाइक लेफ्ट साइड भागता है किस लिए पता ही नहीं चलता, देख रहे हो, पता नहीं अपना दोस्त कहाँ रहेगा, उसको भी रुक रुक के आना है, नहीं तो भाई उसको छोड़ जाएगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगा भाई। भाई साहब को ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हो
फिर से देखो वही बोल रहे भाई, वही बोल रहे। तो भाई सिटी में आने से सबसे फास्ट भाई ब्रेकिंग करना आना चाहिए भाई, यारों कहाँ से कैसा गैप मार के निकल जाए ऐसा। ओ भाई 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 भाई, पता नहीं दूसरों को हम डिस्टर्ब कर दिया ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, सिटी में ऐसा होता ही है भाई, जो आगे जाता है वो पीछे के लिए देख सोचता नहीं है, और जो पीछे चलता है वो आगे के लिए सोचता नहीं है, कब कैसा निकल जाए खाली वही देखना पड़ता है सिटी में चलने से, समझ रहे हो। थुर्राते हुए कर रहा है भाई, थुर्राते थुर्राते कर रहे, ओम फोले भैया ले। चाचा चाचा जी हमको थोड़ा जाने दो। ओए होए होए भाई साहब, हाथ दर्द हो गया ब्रो, इसका मतलब फाथर करना सकेगा, देख रहे हो। चलो फुल पावर, इसका मतलब एक दोस्त का लाउट ऐसा है कि भाई पीछे वाला को बंदा मतलब आगे वाला बंदे को हॉर्न मरना जरूरी ही नहीं है, खुद का खुद साइड दे देता है। भाई भाई भाई, भाई। रुका हुआ था एनआर भाई के लिए, बट वो खानापारा पहुंच गया बोला, बताओ हम उसके लिए गणेशगुरु में रुका हुआ है, वो खानापारा पहुंच गया बोला, फोन कर रहा था फोन नहीं उठा रहा था, तो इसलिए मैंने भी सोचा चलो रुकता है, क्योंकि अगर ग्रुप में राइड करो ना तो एक बंदे को ख्याल रखना चाहिए कभी भी, ठीक है भाई, तो जरूर भी जा सकते हैं ना, तब क्या होगा ऐसा होता है तो। भाई साहब आदमी सब देख रहे हो राइट लेफ्ट कुछ नहीं देखा है, भाई साहब ओ मैन बाप रे बाप, पीछे का स्प्रिंग इतना हार्ड हो रहा है ना भाई, बोला दो तीन दिन चलाने के बाद लूज हो जाएगा फिर से, हमको तो लग रहा है ज़्यादा ही ऑयल डाल दिया ब्रो, ज़्यादा ही ऑयल डाल दिया। ओ हो बाप रे, लेकिन भागने में तो मज़ा है ब्रो, क्या स्मूथ है भागने के लिए। जितना इसका एग्जॉस्ट का साउंड है उससे तो कम से भाई इसका हॉर्न का साउंड है, हॉर्न तो भाई ऐसा लगता है कि कोई बहुत खराब हो गया। भाई भाई भाई, देख रहे हो चुनरिया लहरा, ये 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 हाथ लेकिन दर्द करता है ब्रो। मेरा गोप्रो में पता नहीं क्या इशू आ रहा है, रनिंग में अपने आप बंद हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे बैटरी खत्म हो गया हो, बा एच डी कार्ड फुल हो गया हो, कुछ इस तरीके से मतलब टिट करता है बंद, कुछ समझ में ना रहा है मतलब क्या हुआ। भाई भाई भाई, चार तो अभी भी 70 कुछ परसेंट है, बात स्विच ऑफ हो जाता है पता नहीं किस लिए, अपना भाई बोले हमें कहीं रुका हुआ है बोल रहा है। भाई साहब सॉरी ब्रो। भाई 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 भाई, पावर कमती कमती है लग रहा है यार, हाँ हाँ देख रहे हो, देख रहे हो देख रहे हो भाई देख रहे हो, लेकिन जिस दिन लिया था उस दिन चला के तो अलग ही और कुछ मजा आ रहा था भाई साहब, लेकिन आज पता नहीं आज इतना खास नहीं लग रहा है, ब्रेकिंग लेकिन खतरनाक है ब्रो, ब्रेक खतरनाक है। तो चेक करो भाई अभी कुछ इस तरीके से लग रहा है, मतलब देखो बिफोर और आफ्टर कर रही है, देख रहे हो अभी हमको जाकर सबसे पहले भाई देख रहे हो नंबर पे तो अच्छा से सीधा करना है एंड ये सब खोलना भाई, स्पोर्ट बाइक में ये सब लगाने से क्या होता है पता है, घुटना बांसता है तो बहुत दर्द होता है पता है भाई, तो इसको हटाना है मेरे को, ये सब रस्सी जो बना है इसको भी हटाना है एंड इधर पीछे का पूरा टेल वोल हटा देगा, इधर ब्लैक फिल्म किया हुआ इसको भी उतराएगा, उसके बाद आपका ये इंडिकेटर भी इतना खास नहीं लगा इसको भी उतरा देगा, दूसरा लगाएगा एंड आगे से चलो ठीक ठाक है आगे से, और ये दोनों लाइट को भी उतरेगा भाई, कितना गंदा लग रहा है भाई देख रहे हो, कुछ इस तरीके से बाद में आप लोगों को हम करके दिखाएगा, सब जितना स्टिकरिंग है ना रिंग में ये सब भी उतरेगा, गंदा लग रहा है ब्रो, अरे इधर तो यमहा लिखा हुआ है इसको भी उतरेगा, तो कुछ इस तरीके से बाद में जब हम करके दिखाएंगे तब देखना आप लोग कैसा लगता है भाई, कातिल लगेगा कातिल। तो चलो फुल पावर, ऐसे भी R15 को ना भाई ये सब नंबर पर अगर हटा देगा ना बोम लगता है भाई बोम लगता है। तो चलो फुल पावर, अभी खानापारा में हम लोग जैसा कि ये चक्कर अपना हुरू भाई पहले आके रुक चुका था, बंदा को हम सोच रहे हैं धीरे धीरे चला रहा है लेकिन बाद में हमको उभरते करके आ गए लोग पता है। अभी सेम है ना भाई 150 वर्सेस 150 अभी सही है ना, अभी तो नहीं बोलेगा चीटिंग हो रहा है पावर का वजह से, 12 दिनों बाद दिखाई दे कुतुब मीनार को देख रहे हो, कहाँ गया था पता नहीं, बहुत हॉर्न मार रहा है बट कोई नहीं, अभी हमको सीधा इसे मिलने के लिए आया था ब्रो ब्रो।
भागा भागा, देख रहे हो हैंड रेड तो आसानी से मतलब। भाई भाई भाई, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या उड़ रहा है ब्रो। हमें कहीं चेकिंग वेकिंग भी बैठा रहा है तो हमें ज़्यादा फारपुर वाला ने आराम से जाने को मांगता है, क्योंकि यहाँ में यहाँ पर पूरा लगा दिया बैरिकेड, लेकिन बहुत ख़राब जगह में लगाया भाई, जहाँ भी लगाया बहुत ख़राब जगह में, क्योंकि टर्निंग भी लगाया, कोई भी बंदा पीछे आ सकता है ना। तो ऐसे भी आज तो भाई शिवर रात्रि है, आप सबको बताने के लिए भूल गया, आज जैसा कि शिवर रात्रि है ना, तो ये देख रहे हो कितना ख़राब जगह में बैरिकेड लगाया ऊपर से टर्निंग में ब्रो। कोई भी अगर स्पीड आएगा कोई बाइक वाला तो बाहर चला जाएगा, समझ रहे हो ना।